दुनिया में है जीत हार, ऐसा दोनों चीज है। जीतने के लिए सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। ये जीत भी दो चीज दो होता है, एक जीत सुख ला के देता है और एक जीत दुख ला के देता है। जो सुख ला के देता है, सुख उत्पन्न करता है, वो जीत पे हम लोग प्रसन्न होना चाहिए। जो दुख मिलता है, वैसा जीत हम लोग प्रसन्न नहीं करना चाहिए। होता है क्या, कोई कोई लोग कुछ पाकर सोचता है हम जीत गए हैं, दूसरों को हरा के समझता है हम जीत गए हैं, पकड़ के सोचता है हम जीत गए हैं। वो भी एक जीत है, लेकिन उसी जीत में सुख नहीं मिलता है, सिर्फ घमंड उत्पन्न होता है। दूसरों को हरा कर, दूसरों को फेल करके थोड़ा सा सुख मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा दुख वहाँ पे है। वैसा जीत हम लोग कभी प्रसन्न नहीं करना चाहिए। हम लोग प्रसन्न करना चाहिए कुछ त्याग करके जीतने के लिए। ये आसानी चीज नहीं है क्या? जो कुछ त्याग करके हम लोग जीत लेगा तो जीतेंगे तो वो आसान चीज नहीं है। नदी से ऊपर जाना जैसा चीज है, नदी का बहुत बाढ़ है, ऊपर तैर के जा सकता है, बहुत मुश्किल। वैसा चीज है, कोई अगर कुछ त्याग करेगा तो वो उतना ही मुश्किल है। अगर कोई जो कोई त्याग करके खुशी होने में पसंद हो गया तो वो बहुत आश्चर्य व्यक्ति है। लोग क्या करते हैं, आँख में दिखाई दे जो कुछ दिखाई देता है वो पाने के लिए कोशिश करता है, वो अपनाने के लिए कोशिश करता है। इसके बाद जो कुछ आँख से दिखाई देता है वो पकड़ के वो सोचता है हम जीत गया है, कान से जो सुनाई देता है वो पाकर पकड़ के अपना कर वो सोचता है हम जीत गया है, नाक से जो सूंघता है अचट सुगंध आ गया तो हम ये ले लिया, सेंट खरीद लिया, हम जीत गया है, ऐसे सोचता है। या तो फिर शरीर में मन में जो कुछ चाहता है वो पकड़ के लोग सोचते हैं हम जीत गया है। अच्छा से सोच के देखिए, वैसा जीत में दुख तकलीफ है, अहंकार घमंड है। इसलिए आप लोग कभी भी कोई भी चीज पकड़ के जीतने का आदत मत रखिए। कुछ भी पकड़ के जो जीतता है वो जीत नहीं होता है, लेकिन कुछ भी त्याग करके जीतेगा तो वो असली जीत होता है। मन में उत्पन्न होता है ना राग या लोभ, कैसे ऐसा कुछ लोभ या राग उत्पन्न हो गया तो उसको मनन करते मनन करते मनन करते उसको चलाने के लिए लोग कोशिश करता है। भगवान बुद्ध जी हम लोगों को सिखाए हैं, मन में उत्पन्न होने वाले राग या लोभ दुखी मन से त्याग करना चाहिए। सुखी से कोई त्याग नहीं कर सकता है, सुखी से त्याग करेगा तो अरहंत सारिपुत्र बनते जैसा कोई होना चाहिए। हम लोग उतना पावर नहीं है, दुखी मन से हम लोग त्याग करना पड़ता है। तथा मन में उत्पन्न होता है गुस्सा क्रोध, क्रोध भी बहुत सारे लोग मनन करते करते मन में रखने में पसंद करते हैं। उसने मुझे डांटा गाली दिया धोखा दिया, हम उसको सिखाएंगे समझाएंगे बता देंगे, उसको भी हम सिखा देंगे, ऐसे करके मनन करते करते उसको रखने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। हम लोग उसी दुनिया से मुक्त होना चाहिए।
भगवान बुद्ध ने हम लोगों को सिखाया क्रोध गुस्सा भी त्याग करना चाहिए। लेकिन क्रोध गुस्सा को बिना त्याग करके उसको मनन करके रहने के लिए पसंद करता है ना, मनन करते रहने से थोड़ा सा सुख मिलता है, लेकिन उसके पीछे पीछे बहुत बड़ा दुख है, आग जैसा है। इसीलिए आप लोग क्रोध गुस्सा पे पसंद मत करिए, क्रोध गुस्सा दुखी मन से त्याग कर दीजिए। वैसे भगवान बुद्ध हम लोगों को दिखाया मोह दुखी मन से दूर कर दीजिए। मोह से थोड़ा सा सुख मिलता है, लेकिन दुनिया पसंद करता है मोह को, मनन करते करते मोह को रखे सुख पाने के लिए कोशिश करता है। मेरे पास बच्चे हैं, धन संपत्ति है, मेरे पास ऐसा ऐसा रिश्ता है, बंधन है, तो ऐसा करके मोह में फंसने के लिए लोग प्रयास करते हैं। लेकिन उसी सुख के पीछे है बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा आग का घोड़ा गोला। इसीलिए हम लोग ये मोह दुखी से भी तो दूर तो करना पड़ेगा। वैसे राग द्वेष मोह लोभ त्याग करके जीतने में पसंद हो गया तो वो बहुत बढ़िया है। भगवान बुद्ध बताए थे वो चीज करेगा तो भगवान बुद्ध के हर एक शिष्य उस पे पसंद होना चाहिए, मन की गंदगी को त्याग करने के लिए। दुखी से करना पड़ेगा, लेकिन दुखी से दूर करना चाहिए। उसके लिए ध्यान करके सील सुरक्षा करके ज्ञान सुन के प्रयास करना पड़ता है। जो त्याग करता है उसको भावना आगे बढ़ा सकता है, ध्यान से आगे जा सकता है। इसीलिए हम लोग समझना चाहिए पकड़ जो जो कुछ पकड़ता है वो जीत नहीं होता है, त्याग करेगा तो वो जीत होता है। आप लोग कुछ भी तुरंत त्याग करने के लिए हिम्मत रख लीजिए, खास करके हमेशा तंग करेगा, परेशान करेगा, दुख देगा, मन की गंदगी उसको भी त्याग करना चाहिए। मुश्किल है ना नदी के ऊपर तैरना जैसा, इसलिए सभी लोगों को मन की गंदगी इत्यादि सब कुछ त्याग करके जीतने का भाग्य मिल जाए। साधु।